सभी हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज जितिया की निहाई खाई है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग किए होंगे। बहुत सारा है जितिया। और आज दोस्तों पकवान बन रहे हैं, तो क्या क्या पकवान बन रहे हैं वो आप सभी को दिखाएंगे। और कुछ पकवान बन गए हैं और कुछ मतलब बन रहे हैं, तो ये जो फेमस है तो ये बनेगा ही बनेगा। वो सुबह ही हम बहुत सारा काम किए थे, घर धोना और उसके बाद बहुत सारा पकवान बनाए थे और नहाए थे, उसके बाद खाए थे। तो नहाई खाई कर लिया और इनको हम मना कर रहे हैं कि आप जितिया ना करें। तो क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, वो आप सभी को बताएंगे। क्योंकि मतलब हमें आप लोग भी यही बोलिएगा कि नहीं करना चाहिए भैया जी को अभी जितिया पर्व, लेकिन ये मतलब मतलब करने के लिए मतलब रेडी हैं, तैयार हैं कि हम करेंगे। हाँ, तो ये पर्व बच्चे के लिए होता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि सबसे पहले दोस्तों आप सभी को पकवान दिखाते हैं। देखिए पुआ बनाने के लिए सब सामान को घोल दिए हैं और इसमें क्या क्या है, दूध और सूजी और चीनी, तो इसी को हम पुआ बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पुआ को तल रहे हैं, किस तरह से लाल है, देखने में तो अच्छा लग रहा है पर खाने में कैसा लगता है क्योंकि दूध वाला पुआ है तो अच्छा ही लगेगा। और हमें ना, हमें सुनील जी बोल रहे हैं कि आपको नहीं करना है जितिया का पर्व, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि ये पर्व बच्चे के लिए होता है, तो हम नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चे के लिए ना करूं, इसलिए हम इस पर्व को कर रहे हैं। तुम खाओगे चीकू? चीकू रो रही है क्योंकि शाम का समय हो गया, तो चीकू अपने माँ के लिए रोती है क्योंकि गोद में बैठा। लो बैठो बैठो, आओ गोद में बैठ जाओ, नहीं बैठो बैठो, ठीक चुप रहो चुप रहो चुप रहो। ये चीकू बहुत छोटा है इसलिए। यहाँ पे हम अपने लिए छोटा छोटा पुआ बनाएंगे, मेरे लिए एक बड़ा बनाना, क्योंकि यहाँ पे जितिया का पर्व में भोर में 2 बजे या 3 बजे उठकर सरगाही के रूप में खाया जाता है, इसे देहात में बोलते हैं सरगाही। तो जेठो बच्चे रहते हैं उतना पुआ खाने पड़ता है, तो मेरे 2 बच्चे हैं तो हम 2 गो पुआ बनाएंगे। मतलब जे गो बच्चा रहेगा वो छोटा छोटा 2 पुआ खाना है ना, तो चीकू एक हो गया एक बाबू हो गया, तो 2 पुआ आपको छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे और खाने पड़ेंगे भोर के समय में ना। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही करती थी, वो बाकी पुआ बड़े बड़े बना लेती थी और बच्चे और अपने खाने के लिए छोटा छोटा बना लेती थी, क्योंकि हम लोग 5 ठो हैं, एगो हम है और 4 भाई है, इसलिए मम्मी क्योंकि वो 5 पुआ तो खा नहीं पाए। तो पकवान है जो कि बन चुके हैं और यहाँ पे टेबल पर रखा गया है खाना जो नाइट का, और ये वाला रूम को गुड़िया जी सुबह सोएगा नहीं, सोएगा नहीं, सोएगा रात में, सोता ही नहीं है, दिन में सोता है, भर दिन सोता है और रात में जगता है, परेशान करता है, रात में जगता है, हमें ज्यादा, हमें हम ही ले रहते हैं ज्यादातर। आप कहाँ लेते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। ओके ओके, तुम ही लेते हो? नहीं गुड़िया जी बहुत ज्यादा लेते, क्योंकि तुम रात भर इसको हम लेकर बैठे हुए रहते हैं। ये जो बोल रहे हैं कि पर्व करने के लिए जितिया जो पर्व है वो करने के लिए, क्योंकि नहाई खाइए कर लिए, पहले नहाइए उसके बाद खाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मतलब कर लिए होंगे, बहुत लोग जो शादीशुदा हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं तो उन्हें हाई खाई कर लिए होंगे, कल पर्व करेंगे। और पर्व में दोस्तों भूखा रहना पड़ता है, तो गुड़िया जी बोल रहे हैं कि हम इस पर्व को करेंगे जितिया का, क्योंकि हम मेरे 2 बच्चे हैं तो हमें करना है। हमारे मत कीजिए क्योंकि 1 महीने 4 या 5 दिन हुए हैं ऑपरेशन का, और मतलब अभी अच्छे से खा पी भी नहीं रहे हैं, मतलब उतना ताकत भी नहीं है। आप लोग जैसे कि कमेंट करके अभी रोने लगे क्योंकि गर्मी है, और मतलब गर्मी मतलब रोता ही है और लाइट कट जाता है तो और बहुत ज़्यादा इसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो हम मतलब चाहेंगे कि मतलब पर्व ना करें, लेकिन ये बोल रहे हैं, तो आप लोग कैसा मतलब आप लोग क्या राय देंगे, आप लोग कमेंट कीजिए। और ज़्यादा बोलेंगे नहीं नहीं करने रहेंगे इनको पर्व, और मतलब बोलेंगे कि करें कोई दिक्कत नहीं तो कर सकते हैं, ऐसे हम बोल रहे हैं कि नहीं मतलब करें। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे और कल अगर पर्व करते हैं तो कल का ब्लॉग मतलब बनाएंगे और परसों आप सभी को मिल जाए। तो ये देखिए, तो चलो बाय बाय करो, रुक के भाई क्यों बहुत ज़्यादा बोल रहा है, चलिए आज का यही।